अन्य जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। स्टेशन मास्टर से लेकर टीचर तक 71,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांटेंगे ज्वाइनिंग लेटर। केरला स्टोरी बनी 2023 की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी। मुनाफा कमाने में शाहरुख खान की पठान भी हुई पीछे। 30 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने अब तक 150 करोड़ का आंकड़ा किया पार। बनाएंगे देश का सबसे बड़ा बजरंगबली मंदिर, भले ही किडनी बेचनी पड़े। कर्नाटक जीत पर कांग्रेस नेता ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 100 करोड़ की मानहानि का केस हुआ दर्ज। बजरंग दल पर गलत बयान देने पर संगरूर कोर्ट ने भेजा समन। पीएम मोदी जून में करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद। यूपी में होंगी 3 रैलियां। मोदी सरकार ने डॉक्टरों को दी चेतावनी, कहा पर्ची में जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। 21 मई के बाद उठाएंगे बड़ा कदम, बढ़ाएंगे आंदोलन का दायरा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने किया ऐलान। बिहार से ही जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला, पटना में बोले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। आम लोगों को मिली डबल राहत, जुलाई 2020 के बाद पहली बार शून्य से नीचे पहुंची थोक महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी आई कमी। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा भारत डाइट के दीक्षांत समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा डिफेंस सेक्टर में हो रहे बदलाव। अब 4 महिलाओं से शादी के दिन हुए खत्म। AIMIM चीफ ओबीसी को CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी चेतावनी, कहा असम में 300 मदरसे भी बंद करके रहूंगा। दिल्ली में होगा कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री का फैसला। सिद्धारमैया बोले ज्यादातर विधायक मेरे पक्ष में, DK के साथ CM पद साझा करने को तैयार। 18 करोड़ में हुई थी शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने की डील। गोस्वामी ने ली थी 50 लाख टोकन मनी। NCP विजिलेंस की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ऑपरेशन लोटस को जनता ने कुचला। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी साहब पर बोला हमला, लिखा कर्नाटक में नहीं चला नकली हिंदुत्व। भयंकर तूफान में बदला मोर्चा, भारत में बढ़ा खतरा। पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया में अलर्ट। मिजोरम में 230 से अधिक मकानों को हुआ नुकसान। कोहिनूर हीरे सहित ब्रिटेन के कब्जे में रखी धरोहरों को वापस लाने का अभियान होगा शुरू। भारत कर रहा दुनिया के सबसे बड़े दावे की तैयारी। मुस्लिम वोटर्स में BJP हुई लोकप्रिय। UP निकाय चुनाव में 70 कैंडिडेट को मिली जीत। सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक ID अनिवार्य की। हर 5 साल पर लाइसेंस कराना होगा रिन्यू। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा यमुना नदी की सफाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा NGT जाइए। 21,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की घोषणा के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों पर बढ़ा दबाव, 5% तक फिसले स्टॉक। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने मामला दर्ज कर जांच के दिया आदेश। हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहा और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मुझे पीएम मोदी पर गर्व। स्वीडन में भारत की तारीफ सुनकर खुश हुए एस जयशंकर, कहा आपके मुंह में घी शक्कर। IPL 2023 के आखिरी 9 लीग मैच तय करेंगे 9 टीमों की किस्मत। 5 होंगी बाहर और 4 को मिलेगी प्लेऑफ का टिकट। अडानी मामले की सुनवाई टली, जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली SEBI की अर्जी पर सुनवाई आज। BJP को चुनाव में हराने के लिए NCP अध्यक्ष शरद पवार ने बताया फॉर्मूला, बोले हर राज्य में कर्नाटक मॉडल लागू करने की जरूरत। अकेलापन महसूस कर रहा हूं, सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को लिखी चिट्ठी, कहा 2 से 3 कैदी साथ में रख दो। धमकी से डरने वाला नहीं बजरंग दल, कर्नाटक में बैन किए जाने के कांग्रेस के ऐलान पर आया विश्व हिंदू परिषद का बयान। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, माही अभी नहीं करेंगे IPL को अलविदा। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में 13 जगह पर NIA की रेड, टेरर फंडिंग केस में केंद्रीय एजेंसी ने लिया एक्शन। RSS प्रमुख मोहन भागवत इतनी बड़ी हार पर इतने खामोश क्यों, कर्नाटक की जीत पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स प्ले ऑफ की दौड़ से हुई बाहर, 9 टीमों में चल रही जंग। मणिपुर में तनाव के बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM बीरेन सिंह, राज्य के मौजूदा हालात पर दी जानकारी।
निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीसीबी बैंक ने सेविंग अकाउंट और एफडी पर बढ़ाया ब्याज, मिल रहा 8.50% तक का फायदा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान, कहा भारत में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को मिली राहत, न्यायपालिका पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से की अपील, कहा धरना खत्म करें और देश के कानून पर रखें भरोसा। द केरला स्टोरी पर विवाद, जम्मू में मेडिकल छात्रों के दो गुट भिड़े, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली केंद्र सरकार की साजिश। जमानत के लिए आप नेता सत्येंद्र जैन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। वो से प्लाने वाला है ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए 12 नए फीचर, यूजर्स को जल्द मिलेगा अपडेट। अब वाराणसी से कोलकाता का सफर 7 घंटे में होगा तय, 3000 करोड़ में तैयार हो रहा एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र के अकोला में इंटरनेट सेवा बंद, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टली, हिंसा केस में अब तक 45 गिरफ्तार, अहमदनगर में भी हुई पत्थरबाजी। बिना पद के 3 सालों से कर रहा हूं काम, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, सीएम पद के सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिया जवाब। बाबा बागेश्वर के दरबार में जा सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, विरोध को भूलकर लगा सकते हैं हाजिरी। यूपी में सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बनाएगा निर्वाचन आयोग, लखनऊ से होगी शुरुआत। मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती, 10 विधायक कर रहे अलग राज्य की मांग। अमेजन में फिर होगी चटनी, कंपनी ने वेब सर्विसेज और एचआर टीम के लोगों को थमाया पिंक स्लिप, 500 लोगों के बाहर होने की खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले द केरला स्टोरी पर बीजेपी का फोकस, मंत्री कर रहे फिल्म का प्रमोशन। झारखंड में अनाज वितरण योजना में हुई भारी गड़बड़ी, आदिम जनजाति को मिलने वाले लाभ को डकार गए दूसरे लोग। तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का डिमांड पूरी करने के चक्कर में जेल अधीक्षक पर गिरी गाज, जारी हुआ कारण बताओ नोटिस।